press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Hello students, today I am teaching you a sonnet, Not Marble, Nor the Gilded Monuments, that is written by William Shakespeare. So ये एक सोनेट है और सोनेट 14 लाइन्स की होती है, राइट? और द सोनेट मीन्स क्या होता है, लिटिल सॉन्ग जो किसी को हम डेडिकेट करते हैं. तो इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट अपनी बिलव यानी अपनी फ्रेंड को डेडिकेट की है. और इस सोनेट के थ्रू उन्होंने ये हमें बताया है कि दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, चाहे वो मार्बल हो, चाहे वो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हो, लेकिन इंसान की लिखी हुई चीज़, उसका सॉन्ग हमेशा रिमेम्बर किया जाता है, हमेशा याद किया जाता है. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ प्रिंसेस शैल आउटलिव दिस पावरफुल राइम, बट यू शैल शाइन more bright in these contents than unswept stone mirrors with a sluttish time. तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाहते हैं कि ना तो मार्बल, मार्बल मीन्स होता है वाइट स्टोन, राइट, संगमरमर, नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, ना ही गोल्ड प्लेटेड बिल्डिंग्स मीन्स जिनके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई इमारतें, और प्रिंसेस मतलब जिनकी यादों में वो बनाई जाती हैं, शेल आउटलिव दिस पावरफुल राइम मीन्स कि वो इस राइम को यानी जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है वो इससे ज़्यादा ब्राइट है, यानी उसकी जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर की वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है. बट यू शेल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स. तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं अपनी बीलव्ड से कि तुम मेरे इस कंटेंट में यानी मेरी इस सोनेट में जो मैं लिख रहा हूँ, तुम हमेशा हमेशा के लिए ब्राइट रहोगी, यानी हमेशा हमेशा के लिए याद की जाओगी उन इमारतों से जो समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, यानी डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो बट यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दिस कंटेंट्स देन अनस्वेप्ट स्टोन. अनस्वेप्ट स्टोन मीन्स जिनकी कोई केयर नहीं करी गई, यानी जो गंदे हो चुके हैं. बीमर्स विद अ स्लटिश टाइम मीन्स जो टार्निश हो चुके हैं, समय के साथ साथ ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मेरा ये कंटेंट, मेरी ये सोनेट कभी ख़राब नहीं होगी, हमेशा एज इट इज़ रहेगी और तुम हमेशा उसमें याद की जाओगी. सो इन द सेकेंड स्टेंजा, व्हेन वेस्टफुल वॉर शैल स्टैचूज ओवरटर्न एंड रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी, नॉर मार्स हिज सॉर्ड नॉर वार्स क्विक फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी. सो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर अगेन ये बात बोल रहे हैं कि When wasteful war shall statues overturn means जब wasteful war होते हैं, जब युद्ध होते हैं, तो बड़े बड़े statues भी destroy हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. And broils root, the broils मतलब होता है fight, लड़ाइयाँ, छोटी छोटी लड़ाइयाँ. Root out मतलब जड़ से उखाड़ देती हैं. The work of masonry, masonry मतलब होता है जो मजदूरों द्वारा बनाई गई सुंदर सुंदर इमारतें हैं, वो भी ये बड़े बड़े युद्ध, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, उन सब कामों को ख़राब कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं. नॉर मार्स हिज सॉर्ड नॉर वार्स क्विक फायर शैल बर्न द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी. लेकिन मैंने जो ये सोनेट तुम्हारे लिए लिखी है उसको ना तो मार्स, मार्स यहाँ पे बोला जा रहा है जो गॉड होता है फाइट का, राइट, उसको, वॉर ऑफ गॉड उसको बोला जा रहा है. तो उसकी जो तलवार है, सॉर्ड मीन्स तलवार, ना तो उसकी तलवार और ना ही ये युद्ध किसी भी तरीके से, जो मैंने ये लिविंग रिकॉर्ड लिखा है यानी ये जो सोनेट लिखी है तुम्हारी याद में, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. मीन्स ये जो सोनेट है इन सब से ऊपर है, ये लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते और इसको ख़राब नहीं कर सकते. सो इन द थर्ड स्टैंजा, गेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी शैल यू पेस फॉर एंड योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम. Even in the eyes of all posterity that wear this world out to the ending doom. So इस स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं अपनी बिलव्ड के लिए कि चाहे डेथ हो,
चाहे जितनी भी एनिमिटी हो, ऑब्लिवियस एनिमिटी मीन्स एक ऐसी शत्रुता, एक ऐसी एनिमिटी जो अपने सामने सब कुछ भूल जाती है, कौन अपना है कौन नहीं, और उस सब को ख़त्म कर देती है। उन सब से ऊपर मेरी ये सोनेट है जो मैं तुम्हारी याद में लिख रहा हूँ। योर प्रेज शैल स्टिल फाइंड रूम, और तुम्हारी ये प्रेज यानी जो मैं तुम्हारी ये प्रशंसा कर रहा हूँ अपने सोनेट में, वो हमेशा हमेशा याद की जाएगी। उसका ना तो कोई डेथ कुछ कर सकती है और ना ही कोई एनिमिटी कुछ बिगाड़ सकती है। इवन इन द आईज़ ऑफ ऑल पोस्टेरिटी, यहाँ तक कि जो ये सोनेट है और यहाँ तक कि जो तुम हो, वो आगे आने वाली जनरेशन, पोस्टेरिटी मीन्स फ्यूचर जनरेशन तक तुम जानी जाओगी और लोग तुम्हें याद रखेंगे। दैट वियर दिस वर्ल्ड आउट टू द एंडिंग डूम, एंडिंग डूम मीन्स प्रलय आना, राइट, जहाँ पर सब चीज़ ख़त्म हो जाना, वहाँ पर भी ये सोनेट हमेशा जिंदा रहेगी, लाइव रहेगी। सो इन द लास्ट, सो टिल द जजमेंट दैट योर सेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आईज। सो अगेन विलियम शेक्सपियर ये कहना चाहते हैं कि जजमेंट तक तुम हमेशा लाइव रहोगी, चाहे ये इस दुनिया में सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन तुम हमेशा ज़िंदा रहोगी मेरी इस सोनेट के थ्रू। यू लिव इन दिस, तुम हमेशा इसमें एक लिविंग थिंग की तरह रहोगी। एंड ड्वेल इन लवर आइज़, और लवर आइज़ यानी आँखों में जिस किसी को भी प्यार करते हैं उसकी आँखों में हमेशा तुम जानी जाओगी। तो मेरी ये सोनेट यानी विलियम शेक्सपियर की ये सोनेट उसकी बीलव्ड को ये डेडिकेट करते हैं और एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि अगर आप अपने जो आपके अपने हैं उनके लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ करिए जो ना तो कोई टाइम उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ना कोई वॉर उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं कि इतने बड़े बड़े सिंगर्स, आज से इतने पुराने सिंगर्स, चाहे वो लता मंगेशकर हो, मोहम्मद रफ़ी हो, मोहम्मद रफ़ी की आज भी हम आवाज़ सुनते हैं और उनकी आवाज़ को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है। सो आप किसी की याद में मॉन्यूमेंट्स या बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने से बेटर है कि आप उसके लिए कुछ ऐसा करिए जिससे वो हमेशा याद की जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड डे। सो देयर आर सम पोएटिक डिवाइसेस जो कि यूज़ करी गई हैं सोनेट में। द फर्स्ट इज़ एलिट्रेशन, लाइक इन द लाइन यू शेल शाइन व्हेन वेस्टफुल वॉर्स। इन द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ इमेजरी, दैट इज़ wasteful war shall statues overturn, nor Mars his sword, nor war's quicks fire shall burn. The third is personification, जो कि use किया गया है इस सोनेट में। Then unswept stone remotes with slattish time. और last is जो use करा गया है assonance, shine more bright in the stanza and the line. So these are the very important figure of speech that can come in your exams. So please learn it. And thank you very much.